ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेसिक स्कल्पिंग। ठीक है, बेसिक स्कल्पिंग क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, त्रिशूल का मॉडल हमने बनाया, मॉडल टेक्सचर मैंने बना रखा है, इसका बेसिक पार्ट चाहिए तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया अपने मॉडल को। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप चाहो स्मूथ लगा के लेके जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे स्मूथ लगा सकते हो। तो ये डिपेंड आप पे करेंगे कि आप स्मूथ के साथ लेके जाना चाहते हो या विदाउट स्मूथ लेके जाना चाहते हो, तो ये डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्मूथ लेके जाऊँगा, नहीं तो मुझे डिवीजन वहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे ले लूँगा। चीज़ों मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, फाइल को लिया मैंने यहाँ पे, सिंपल एक्सपोर्ट सिलेक्शन। एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी हम लोग कहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी हिस्ट्री डिलीट कर लेना, हिस्ट्री डिलीट करोगे तो प्रॉब्लम के चांसेज और कम हो जाएंगे। फाइल पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया लाइक माया टू जीब्रस, माया टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, जीबस में आते हैं। ठीक है, जीबस में गए, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टूल में गए, इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइल है यहाँ पे तो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे गए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फाइल। ठीक है, माया तो जीबस मैंने ओबीसी यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, टी प्रेस कर लिया यहाँ पे, अब आ जाएंगे बस यहाँ पे मॉडल। ठीक है, अभी बहुत सिंपल सा फंड आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल का मैंने चेंज किया यहाँ पे। ठीक है, अभी आप चाहो इनको अलग अलग लेवल देना चाहो आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी आप कर सकते हो और यहाँ पे एक साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ज्योमेट्री में गए और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे डिवीजन दे सकता हूँ, फिर डिवीजन देने पर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सा फंडा है कि लाइक मैं यहाँ पे कोई चीज़ को मैनेज करने वाला हूँ तो लाइक कैसे क्या काम करने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं गया, अभी मैं अपने इस मॉडल पे तो बहुत स्कल्पिंग करना चाहता हूँ, तो स्कल्पिंग करने के लिए लाइक मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे क्या क्या टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो छोटे छोटे टूल्स को मैं यूज़ करके चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को मैं मैनेज करने के लिए पहले यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर यू आई थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए और देन सिंपल सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिटेल देना है, तो डिटेल देने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का फुल्का मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने वाला हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स ऑन किया मैंने, यहाँ पे यहाँ देखो फॉलो ऑफ है मेरे पास यहाँ पे फॉलो। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई शेप्स देना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कुछ शेप्स को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लाइक मुझे कुछ शेप्स को दिखाना है तो मैं ऐसा कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मैंने काम किया, मुझे चाहिए पीछे की तरफ चाहिए, मैंने अंडू किया कंट्रोल जेड, एक ऑप्शन हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। अभी मैं तो यहाँ पे जीरो से एक अच्छा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि जब भी मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ फिर मैं एक वाई का भी मैंने यहाँ पर काम किया, तो यहाँ पे पीछे आ रहे थे यहाँ पे चेक कर, ये पार्ट आपका एक्स एंड वाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ, देखा पीछे नहीं आया तो मैं एक और एक्स ऑप्शन ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म पे गया वाई नहीं जेड पे काम करते हैं, फिर जेड पे देता हूँ आगे पीछे। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं काम कर रहा लाइक प्रॉपर काम करना चाहिए, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा तो मैं लोकल सिमेट्री करके यहाँ पे देखता हूँ, नहीं काम तो बहुत प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ऐसी प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए हम मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक माया में गए, माया में सबसे पहला काम क्या होता है, आपका जो पोजिशन होता है ना वो पोजिशन आपको सही करना होता है, क्योंकि यहाँ पर पोजिशन है, क्या देखा पोजिशन ये हल्का सा हिला हुआ है तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मॉडल को देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ सेपरेट किया सेपरेट, अगर आपको कौन सा पोजिशन हिला होगा तो वो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको ये पार्ट ऐसे करके चलना है। ठीक है, फ्रंट पे गए ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए मैं सिंपल कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जब तक ये जीरो पर नहीं रहेगा तब तक आप स्कल्पिंग बहुत बेटर काम नहीं करने वाले, तो फिर से मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा कि अगर हल्के से पोजिशन अप एंड डाउन है तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अभी ट्राई करके देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है यहाँ से मैंने क्या कर दिया, प्रेफरेंस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट किया यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग टी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, डायल कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ओके, एंड देन यहाँ से मैंने मटेरियल ले लिया, ठीक है। अभी मैं आपको कहीं करके देता हूँ, तो ऐसे करके आपको लाइक कौन सा प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि अगर मैं कौन सा ऐप सीख देता हूँ, एक्स एक्स मैंने ऑन कर दिया, एक्स आ गया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म में गया, जेड ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक बार टॉक करके देखा, अभी देखो आ रहे हैं, तो ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कौन सा शेप को हल्का फुल्का यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया फॉलो, ठीक है, विजुअल में एक और देता हूँ कंट्रोल डी, ठीक है, यहाँ पर शेप्स को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, लाइक सब में ऐसा कुछ करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं इम्पैक्ट देना चाहता हूँ, तो मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, एंड देन यहाँ पर शेप को मैं आपको थोड़ा मैनेज कर पाऊँगा। शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट में ध्यान रखना आपको यहाँ पे शिफ्ट में 100% होगा तो ये बहुत बढ़िया वर्क नहीं करेगा, ठीक है, हल्का हल्का शेप वाइज आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब मैंने क्लियर बिल्डर लिया, क्लियर बिल्डर से मैं आपको थोड़ा सा हल्का स्कल्पिंग करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ कम रखना है आपको, ऐसे करके कुछ मैंने आपको डिटेलिंग देने की कोशिश की, ठीक है। इस टाइम मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ समझ यहाँ पे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप मैंने यहाँ पे लिया, ओके, स्विफ्ट मैंने स्मूथ यहाँ पे तो मैं ब्लेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे स्टैंड टू लेके यहाँ पे चीज़ को लिटिल बिट यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग करके आपको अवेलेबल होगा, ये जाना कि ये शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करना चाहो, थोड़ा सा हल्का हल्का फ्रेम डायनेमिक से थोड़ा सा इम्पैक्ट देना चाहो, हल्का फुल्का लेके आपको दिखाना है कि यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा कट्स हैं आपके, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कट्स ऐसा कुछ दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है, चीज़ को हल्का फुल्का कुछ कट दिखाना हो आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक बेसिक से मैंने अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम किया तो मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे लाइक नॉर्मली स्टैंडर्ड टूल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, जो हम लोग यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पे स्विफ्ट है सेगमेंट देख लेंगे, ठीक है, सेगमेंट का अगर यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा तो आप चीज नहीं करते देखेंगे, हमें डैम स्टैंडर्ड टूल लेते हैं यहाँ पे, तो डैम स्टैंडर्ड टूल के लिए यहाँ पे ट्राई करके देखना भाई, आपके यहाँ पे चाहिए कंट्रोल जेड स्विफ्ट है, मतलब ठीक है, कोई भी स्विफ्ट को आप यहाँ पे ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। कंट्रोल डी करूँगा यहाँ पे डिवीजन और दिखेंगे, यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं होंगे वहाँ पे मुझे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मैं पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो बस चीज़ें कैसी हैं, ओके, किस टाइप से मैं सेफ्स को यहाँ पे मैं लाइक लोकल फिल दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कार में कोई हल्का फुल्का डिटेल यहाँ पे आप देखते, मैं अगर एक तरफ दूंगा तो दो तरफ आ जाएगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्स ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। कहीं पर कोई चीज़ अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो लाइक अल्टरनेटिव आपको तो यहाँ पर कुछ स्टेप से भी आपको लुक एंड फील देना पड़ेगा, वहाँ यहाँ पर थोड़ा कुछ काम कर रहा है तो यहाँ पे सेट्स को मैंने, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे, तो ये क्या होगा थोड़ा सा अलग से आपको यहाँ पर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चीज़ है, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को ठीक है, ये थोड़ा सा रैंडम शेप में हम लोग ले सकते हैं, कट दिया यहाँ पे, ठीक है, कट देने के बाद हल्का सा मुझे यहाँ पे क्या करना है, कौन सा कॉर्नर वाइज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसे कहीं दिखाना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखा सकता है यहाँ पे कि मेरे पास शेप्स है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे ये पार्ट कुछ स्टेप से, ये पार्ट में कुछ स्टेप से जो लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइक रेफरेंसेज में आपको जो दिखा रहा है वो चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड में हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, ये और ये पार्ट यहाँ पे ब्रेक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन यहाँ से मैंने मेरे को एक चीज़ और ध्यान देना है, जब मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो इस काम के लिए मुझे यहाँ पे क्या डिवीजन चाहिए, तो यहाँ पे जब ऐसे देखने लगे डिवीजन बढ़ा,
ठीक है, हल्का सा शिफ्ट। तो आप ऐसे करके तो आधा चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। फिर ठीक है, इन पे आप यहाँ पे काम करना चाहो, ट्रेन लाइन में आप यहाँ पे साइज को दो होता है, यहाँ पे देखा ये दो और साठ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक है। ऐसे करके आप कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे, कि शेप्स आपके पास ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इनको मैंने तो यहाँ पे आपको दे दूँ, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कौन चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ बेसिक्स लाइक स्कल्प एंड चीज़ को मैं मैनेज किया है। अभी इन चीज़ को देखो, एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पार्ट में अगर मैं ऐसे कुछ करूँ, ये पार्ट में ऐसे कुछ करूँ, तो फिर शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ये देखना अभी ये पार्ट अगर मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ को मुझे थोड़ा अभी देखो यहाँ से मैं जो काम करूँ, ये काम मेरे पीछे भी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर वही काम करूँगा, अंडू 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 अंडू, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग देनी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखा ट्रांसफॉर्म में एक्स मेट्रिक किया मैंने एक्स एंड जेड, एंड यहाँ से मैं चुन लूँ थोड़ा ये पार्ट ऐसे कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा सेफ सफर्स कैसे जा रहा है, ठीक है। अलग बोलते आप यहाँ पे थोड़ा सा को मैनेज कर दिखा देता है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे कौन सा रहेगा जिसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप चाहो शॉर्टनेस पहले से मेंटेन करके ले आओ, या बहुत आप यहाँ पे मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो। वही मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं मेंटेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ होता है लाइक नॉर्मली होता डील करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स को यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। मैं बस यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर बस जेड वगैरह लगता है ऑन नहीं हुआ ट्रांसफॉर्म में, जेड में काम कर रहे हैं, इधर नहीं करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके यहाँ पे दिखा देते हैं भाई मुझे अगर कुछ इस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बेसिक से मैंने इम्पैक्ट दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो भी कोई काम करना चाहता है यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट मैंने कुछ जगह से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा स्कल्प करो, फिर उसके आप स्कल्प करके काम कर सकते हो। देखा जैसे ये पार्ट देखा मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेव्स को यहाँ पे मैनेज करो, यहाँ पे सेव्स ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसी पे ट्रेन लाइन में करूँगा, तो मैं यहाँ पे अब बेटर दिखना स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ ऐसे कुछ आ गया, देन ये सिर्फ आपने यहाँ से कुछ या ये सिर्फ आपका ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सिर्फ आपका, ठीक है। हल्का सा आपने स्मूथ से प्रेस कर दिया, आपने थोड़ा ब्लेंड कर दिया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन इन चीज़ को तो हम लोग यहाँ पे लाइक मैनेज कर देंगे, अगर मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ करके दे सकता, ठीक है। बेसिक हमने यहाँ पे तो कुछ काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे और चीज़ को करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं फिलहाल में उसको ठीक है हो जाएगा, अभी मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ मैप कॉल करता हूँ, ठीक है। टेक्सचर में गया मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट किया, अभी टेक्सचर इम्पोर्ट इम्पोर्ट में जाके यहाँ पर मैं सिंपल बम्प को मैंने कॉल किया, ठीक है। बम्प कॉल कर दिया यहाँ पर, जब भी मैं टेक्सचर कॉल करते हैं यहाँ पे मैं फ्लिप करना पड़ता है ना, देखो बम्प आया कि नहीं आया, इम्पोर्ट बम्प, मेरे को शायद ये टेक्सचर यहाँ पर नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलते हैं फोटोशॉप पे, फोटोशॉप फोटोशॉप ठीक है। अगर हमने देखा पे टेक्सचर इम्पोर्ट किया मैंने बम्प को, ठीक है। पीएचडी फाइल मैंने कॉल कर लिया, अभी ये आ गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे एक बार फ्लिप कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, मेरे पास यू वी ऐसी ही है, तो मैं यहाँ पे कॉल करके देखता हूँ। अभी यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखेगा मास्किंग, अगर आपको याद होगा तो मास्किंग में चलते हैं, मास्किंग में गए यहाँ पे टेक्स्चर एक बार ले लेते हैं, पहले टेक्स्चर लो, टेक्स्चर में क्लिक करके मैं टेक्स्चर ले लेता हूँ,
टेक्स्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी टेक्स्ट आपको दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लेटेस्ट यहाँ देखो, यहाँ पे चाहिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने स्मूथ किया है, स्मूथ करने पे बस यू वी थोड़ा सा अप डाउन भी होता है यहाँ पे, देखो एक बार मैं यहाँ पे चेक करूँ यहाँ पे कि ये मेरे यू वी का क्या पार्ट है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, यू वी मैप है एंड एक बार देखिए सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे क्लिप वी करके देखा पे ऐसे क्लिप वी किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो टेक्सचर है टेक्सचर भी मैं लेता हूँ, क्लिप वी आया क्या मेरे सब ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, क्लिप वी वाला आया क्या तो नीचे आ गया। तो ये ध्यान रखना क्लिप वी करना मत भूलना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा कुछ काम करना तो कर सकते हैं यहाँ पे। वापस हम लोग आते हैं मास्किंग, ठीक है। मास्किंग जो है मास्क बाई इंटेंसिटी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, मास्क बाई एडजस्ट, मास्क बाई मास्क बाई कलर है, मास्क बाई इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद मुझे क्रॉस चेक क्या करना है, टेक्सचर मैप में गए, इसका मैंने कर दिया ऑफ। ये देखो यहाँ पर अभी आपको इम्पैक्ट देखेगा, अभी आपको किस में क्या इम्पैक्ट देना है ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार मास्क हटा के देखना पे, देखो ये ऐसा कुछ पार्ट देख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी इतने पार्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया, कितने पार्ट में मुझे काम चाहिए, मैंने यहाँ पे इतने पार्ट को यहाँ पर लिया क्योंकि इतने पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ओके। और मैंने इतने पार्ट को भी यहाँ से लिया, इतने पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इतना पार्ट डिसलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इतने पार्ट को मैंने डिसलेक्ट कर दिया, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे इसको भी नीचे से थोड़ा सा डिसलेक्ट कर दिया, इतने पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिफॉर्मेशन में गया, यहाँ पे इनफ्लेट का ऑप्शन आता है क्या, इनफ्लेट आप यहाँ पे देख सकते हो, इनफ्लेट ये पार्ट आपका ऐसे कुछ डिटेल में देखेगा कि आप किस टाइप से डिटेल और कितना दिखाना चाहो, ये आपको मिल सकेगा, ठीक है। जो मैं लाइक टेक्सचर प्लेसमेंट जो मैंने करा था यहाँ पे, वो पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा। ये हमने सिंपल सा टेक्सचर का लाइक प्लेसमेंट किया था हमने यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर, ये देखो इसके यूवीज है, और देन यहाँ पे हमने बेसिक टेक्सचर जो कर रखा था उसका हमने थोड़ा पार्ट बना रखा है, ये पूरा प्रोसेस मैंने इसे पहले वाले पार्ट में बताया, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे हम आराम से काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट मैंने किया, सिलेक्ट किया तो आपको कोई डिटेलिंग देखेगा। अभी इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ वर्क करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ स्टैंडर्ड में यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ वर्क कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, जेड को ऑफ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में गए, जेड ऑन करते हैं, एक्स को ऑफ करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। कहाँ यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कोई डिटेलिंग बनाना हो तो मैं आराम से दे सकता हूँ, अभी कोई मुझे यहाँ पे कोई भी डिटेलिंग चाहिए तो मैंने नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे कुछ डिटेल बना सकता हूँ, ऐसा कुछ मुझे अगर पार्ट चाहिए तो मैं ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को लाइक मैनेज कर सकता हूँ, ये कुछ काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, कुछ शेप्स के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पर कोई शेप्स को लाइक लुक एंड फील लेना हो तो मैं ऐसे कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। कोई भी डिटेलिंग हो, डिटेलिंग वाइज आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा आपने कुछ बॉर्डर दिया तो लाइक निगेटिव स्कल्पिंग यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट निगेटिव स्कल्पिंग किया तो यहाँ पे चाहिए मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, देखो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया तो वैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पे, देन अदरवाइज आपको यहाँ पे चाहिए तो देन आप यहाँ पे कुछ पैटर्न वाइज आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करके हम कुछ डिटेल्स हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे कुछ डिटेल दिया, कुछ चीज़ को मैनेज किया, कोई मुझे अगर कोई भी काम करना तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। और लाइक अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी इन चीज़ को लाइक फोकस किया मैंने यहाँ पे, अभी इन चीज़ को मुझे बेक करके लेके जाना है, तो कैसे कर पाएंगे वो चीज़ देखते हैं। इतनी डिटेलिंग की है मैंने यहाँ पे, अभी डिटेलिंग करने के बाद मुझे अभी क्या काम चाहिए, मुझे ये डिटेल जो पार्ट है, ये डिटेल पार्ट को मुझे लेके जाना है, बेक करना है। तो बेक करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी काम करो, फाइल को कर लो सेव, ठीक है। सेव किया हमने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे शो डिटेल इसमें मैनेज कर सकते, ठीक है। इसको अभी हम लोगों ने क्या किया, हाई पॉली मॉडल था, हाई पॉली मॉडल डिजाइन में बस यहाँ पे था, मैंने इसे क्या किया, लो पॉली मॉडल पे आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सिंपल एक प्रोसेस आपका यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे बेक करते हैं, बेक करने का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। टेंजेंट याद रखना, स्मूथ व्यू याद रखना, आपने यहाँ पे क्रिएट नॉर्मल किया, ठीक है। अभी ये आपका मैप आ गया, देखो डिटेलिंग आपके पास यहाँ पे विजुअल है,
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं मुझे जो डिटेलिंग चाहिए इसमें आपको मैं एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे लाइक इन चीज को मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं क्लोन टू नॉर्मल, ठीक है। ये यहाँ पे आपके टेक्सचर में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ से मैंने क्लोन टू नॉर्मल किया, यहाँ पे आ गया टेक्सचर में गए। अभी यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको फ्लिप वी भी करना पड़ेगा, अगर आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। फ्लिप वी करेंगे तब जाकर आपका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टूल का सिंपल नॉर्मल निकाल दिया, ठीक है। अभी फॉर्मेट आपको जो भी चाहिए टिफ स्टार का ये आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, माया में स्विच करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट, राइट क्लिक असाइन, अब ब्लिंक कर लेता हूँ, ब्लिंक डाल यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इस वाले मॉडल पे काम नहीं करना, मुझे मॉडल वहाँ पे दूसरा लेकर आना है, जो मेरे पास यहाँ पे लोकल ही मॉडल है, ये वाला मॉडल मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपोर्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया लोकल मॉडल, ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आपने जो पहले लो क्वालिटी वाला मॉडल है उसी पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, सेव किया, ठीक है। माया तो जीवस लो क्वालिटी, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे माया के अंदर, इस वाले फाइल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू, या मैंने इसको अलग लेवल पे डालकर ऑफ कर देता हूँ। फाइल पे गए, इम्पोर्ट किया मैंने, इम्पोर्ट माया तो जीवस यहाँ पे लो के नाम से मैंने यहाँ पे मॉडल किया, ये देखो मेरे मॉडल में चेंजेस भी आ गए, ठीक है। थोड़ा सा मॉडल ये आगे से उठा हुआ भी है, सॉफ्ट एडजस्ट कर देना। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे ग्लेन असाइन कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। मटेरियल एट्रीब्यूट बोला मैंने यहाँ पे, तो मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बम्प पे गए, फाइल पे गए, एंड देन यहाँ पे नॉर्मल करना है तो टेंजेंट यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा, त्रिशूल है, चेट ब्रश टू माया टू चेट ब्रश, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखो, अभी ये देखो आपको देखिएगा, आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये डिटेलिंग आपको यहाँ पे विजुअल होगा कि भाई आपका डिटेलिंग कैसा जा रहा है, किस टाइप से जा रहा है, ठीक है। और ये देखो ब्लैक वाला पार्ट को मैं सोचता हूँ, ब्लैक वाला पार्ट को चाहिए, एंगल चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, जब इसकी प्रॉपर लाइटिंग वेटिंग करेंगे तो वो चाहिए विजुअल होगा, देखिए ये डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। नीचे से लेकर ऊपर तक आप यहाँ पे डिटेल्स को फुलफिल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे विजुअल होगा, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे नॉर्मली डील कर सकता हूँ, ठीक है। लो क्वालिटी मॉडल मेरे पास यहाँ पे आएगा। अगर बाई चांस मेरे पास यहाँ पे कहीं पे कोई ब्लैक से पार्ट ऐसा दिख रहा है तो मैं इसे फोटोशॉप में आके क्लीन भी कर सकता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, ऐसी प्रॉब्लम भी आने के चांसेस होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको यहाँ पे अगर जो नॉर्मल मैप आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगर कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो वैसे यहाँ पे कोई मैप नहीं दिख रहा है, हल्का सा कलर ऐसा है, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली भी डील करके दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट हल्का सा आपको ब्लैक सा पार्ट दिखा ना यहाँ पे, देखो तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल मैप पे क्लीन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, बी प्रेस करो, बी फॉर ब्रश, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपल सा यहाँ से कोई भी पास का कलर दिखा रहे हैं, जब ज्यादा डिटेल दे दोगे तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएंगे। देखो यहाँ पे आपने पास का कलर डिटेल ये किया आपने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा तो दिक्कत आएगा, ठीक है। कंट्रोल डी किया मैंने, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर एक थोड़ा सा नीचे क्लीन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्टैम्प यूज करके यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ये लाइक कई आर्टिस्ट जब ये काम करते हैं तो जो छोटी मोटी डिटेलिंग आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग इसे क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा था, अभी मैं चाहूँ मैं क्लोन से कर सकता हूँ, क्लोन से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना, तो मैं आराम से क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। यह जो पार्ट है यहाँ पे कुछ इधर से आपको मैनेज कर देना है, ऑपेसिटी और इसके साथ लोगों के साथ थोड़ा काम कर लेना आप यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आते हैं कि ऐसे तो बहुत छोटी मोटी चीज़ आती है, इसको लाइक इसके साथ फिर से पूरा मॉडल पे नहीं काम करने लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखो, जब मेजर डिटेलिंग आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डील करना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करूँगा, थोड़ा सा लाइक आराम से करना ताकि थोड़ा कलर मैच हो सके। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे रफली यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि दोस्त यहाँ पे चीज़ को जल्दी से मैं कर सकूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है
ऐसे करके हम दोस्तों डील कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबल है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। देखो ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, वहाँ पर वो वाला पार्ट चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो देन ये पार्ट आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ये देख लो आप यहाँ पे, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स में चीजों को मैनेज कर, जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल से पार्ट किया, कंट्रोल एस कर दिया सिंपल पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो मेरे पास माया में जो मेरे पास आया था ब्लैक वाला पार्ट, यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, करो वो चीज मैनेज हुआ, कहीं पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप ऐसे करके डील कर सकते हो। अभी वो चीज जो दिखा था वो पार्ट नहीं दिखेगा, तो ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा डील कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ लाइक यहाँ पे मैप थोड़ा सा बिगड़ सा गया, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को ऐसे भी डील कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, जो मैं यूवी लेके गया, यू मैंने एक ही पर रखा था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कुछ ऐसा कुछ पार्ट आ सकता है। ठीक है, मैं ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ काम करना है। मुझे आप लेकर मैं आप इसकी यूवी को मैं अलग अलग भी लिखा था, मैंने फ्रंट एंड बैक एक ही में रखा था, थोड़ा सा जल्दी में काम करने के लिए। तो आप उसे अलग अलग करोगे तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल सा थोड़ा सा मैप क्लीन कर सकते हो, मैप क्लीन करने की नॉलेज होनी चाहिए, और देखो इसमें आपको आपको ऐसा थोड़ा सा फंडा मिल जाएगा कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है तो आप यहाँ पे कैसे कैसे क्या काम कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा वर्कआउट आपके यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे ना ये पार्ट आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपको थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए, कुछ ऐसा कुछ पार्ट चाहिए, कहीं पर बस कोई चीज़ मिस हो गया, तो ऐसे मैं करके कुछ डील करके मैनेज कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया आपने, अभी यहाँ चेक करें यहाँ पे सिंपल सा माया में, तो आपको बस माया कहाँ गया, तो यहाँ पे आपके पास ऐसी जो चीज़ें ध्यान से रखें ये ना, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो आप इसको आप डील कर सकते हो। तो ऐसे करके रखें है, ऐसे करके हम थोड़ा सा डील कर सकते हैं कैसे क्या काम करना है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पार्ट किया, देखो मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बेटर दिखेंगे। अभी ये मैं पार्ट अगर अलग अलग करके लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं अलग करके लेके जाता हूँ, तो मेरा काम यहाँ पे आराम से दिखेगा। कि ऐसे करके हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं, ऐसा कुछ पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टेक्सचर वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, टेक्सचर मैंने अगर वहाँ से करके लाता हूँ तो वो भी वेल एंड गुड है। अगर मैंने टेक्सचर वहाँ से नहीं किया है, टेक्सचर मैंने रख रखा है, मैंने इसमें भी काम कर रखा है, तो मैं यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ तो आपके पास यहाँ पे डिटेलिंग वाला पार्ट आपको देखेगा कि आप यहाँ पे देखो कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे करके भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं।